1960 के दशक से साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद भारत ने प्रक्षेपण यान तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत कठिन और लंबा रास्ता तय किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारियों को ध्यानपूर्वक संरक्षित किया जाता है। हमने एक कठिन रास्ता पार करते हुए इन्हें अपने आप सीखा है। इसरो द्वारा वर्षों से प्रक्षेपण यान की तकनीक के विकास के लिए किए जा रहे दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क टू एवं अधिक वजन वहन करने की क्षमता वाले जीएसएलवी मार्क थ्री जैसे आधुनिक प्रक्षेपण यानों का निर्माण संभव हो पाया है। पीएसएलवी भारत का एक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। विगत 25 वर्षों में इसके द्वारा 52 स्वदेशी और 237 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है। पिछले कई वर्षों में पीएसएलवी में अनेक तकनीकी विकास हुए। छोटे हल्के से लेकर भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आज पीएसएलवी के दो वर्जन्स उपलब्ध हैं, कोर अलोन एवं हाई एंड एक्सेल वर्जन। पीएसएलवी ने एक ही अभियान में एक साथ अनेक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता का भी बखूबी परिचय दिया है। साथ ही ऊपरी स्टेज में इंजन को पुनः शुरू कर सकने की सुविधा के कारण एक ही अभियान में उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करना भी संभव हो पाया है। एक ही अभियान में एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की शुरुआत 1999 में 3 उपग्रहों से हुई, 2008 में 10 उपग्रहों से बढ़ते हुए 2016 में 20 उपग्रह और 2017 में PSLV-C42 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने का कीर्तिमान इसरो ने बनाया। पीएसएलवी ने इसरो के कई महत्वपूर्ण अभियान जैसे चंद्रयान 1 एवं मार्स ऑर्बिटर मिशन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन वाले PSLV-C42 के वर्तमान अभियान में यान द्वारा यूनाइटेड किंगडम के S-1-4 एवं NovaSAR नामक दो अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। रॉकेट के इस कॉन्फ़िगरेशन में 6 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर नहीं होंगे। यह पीएसएलवी का सबसे हल्का वर्जन है जिसने सबसे पहले अप्रैल 2007 में सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की व्यवसायिक शाखा Antrix Corporation ने यूनाइटेड किंगडम की सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड SSTL के साथ उनके दो उपग्रहों S-1-4 और NovaSAR के प्रक्षेपण के लिए अनुबंध किया है। S-1-4 444 किलोग्राम वजनी हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे SSTL द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इसका उपयोग संसाधनों के अवलोकन, पर्यावरण के निरीक्षण, शहरी विकास प्रबंधन एवं आपदा निरीक्षण के लिए किया जाएगा। NovaSAR एक छोटा S-Band सिंथेटिक अपर्चर रेडार सार उपग्रह है। इस 445 किलोग्राम वजनी उपग्रह के साथ S-Band सार पेलोड और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन रिसीवर है। NovaSAR का उपयोग मुख्यतः जंगलों के नक्शे, भूमि उपयोग एवं बर्फाच्छादित जमीन के निरीक्षण, बाढ़ एवं आपदा निरीक्षण, जहाजों का पता लगाना एवं समुद्री निरीक्षण के लिए किया जाएगा। इन दोनों उपग्रहों को PSLV-C42 द्वारा 583 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अपने एक और महत्वपूर्ण व्यवसायिक अभियान को पूरा करने के लिए PSLV-C42 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार है।